Thank you.
Kita hanya bernanti all glory blessing you to Jesus, all glory blessing you to Jesus, all glory blessing you to Jesus, all glory blessing you to Jesus. So, today, His Holiness Prabhupada Maharaj is here. So, last year, Maharaj एक भागवत कथा भी किए थे गांव में and nearly जो चार दिन में nearly 46,000 लोग आए और it was very big event. महाराज last 30 plus years है वृंदावन में है और वृंदावन में उनका वास है तो we are very fortunate and generally महाराज don't go every place. He comes to a special place, so he kept in his heart IIT Patna as a special place also. So we get his association and he comes here. And it was lucky that after this week there was no vacant till June. So Maharaj, we are very lucky that Maharaj came here. So we are from our, we have a Bhaktivedanta Club and IIT Patna. We should pray to Lord for His great life ahead, very long life, and also preaching Krishna consciousness and blessing all of us. So we chant three times Hare Krishna Maha Mantra. Just Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Introduction in English. So class in English. Huh?
हरे कृष्ण मैं जेल में बैठी जेल में लास्ट ईयर आई आल्सो गिव लेक्चर इन दिस हॉल यस हरे कृष्ण ओम अज्ञान निराजस्व हो गया तो कितने लोग पहले जो दो क्लास हम हो गए ना नहीं वहाँ पर हुआ था इनके क्वार्टर में डॉक्टर रंजन भैया क्वार्टर में दो क्लास हुआ था कितने लोग अटेंड किए वो क्लास दो क्लास पहले हो गया था उपदर्शन आज तीसरे श्लोक पढ़ेंगे दो श्लोक पढ़ चुके हैं पहला श्लोक में चर्चा हुआ था आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले एक आध्यात्मिक शिक्षक या जिसको हम सद्गुरु कहते हैं का आवश्यकता तो सद्गुरु के पास में योग्यता क्या है उसकी चर्चा पहला क्लास में हुआ था वाचो बेगम मानस क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगम जो विषय गधीर सर्वान अभिमान शिष्या जो वाणी के वेग को मन की मांगों को क्रोध की क्रियाओं को जिह्वा उदर और उपस्थ के वेगों को संयमित करके रखा है तो संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने में योग्य है इसको गोस्वामी कहते हैं जो इंद्रियों को संयमित करके रखने के कला को जानता है भाई इनको कैसे भगवान की सेवा में लगाना जानता है इसके चर्चा पहला क्लास की बात है आज मणि की क्लास में हम चर्चा किए थे भक्ति में बाधक छह चीज अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन्मसंघर्ष लौल्यम चीर भक्ति जो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो छह चीजों से उनको दूर रहना चाहिए वह इसको त्यागना चाहिए आवश्यकता से अधिक खाना आवश्यकता से अधिक संग्रह करना अत्याहार तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना अधिक से अधिक मैंने आवश्यकता से अधिक प्रयास करना प्रजा पर करना जो कुछ कार्य हम करते हैं उसकी उद्देश्य को भी जानना नियमाग्रह नहीं होना चाहिए नियमाग्रह अब जो कार्य करते तो समान भाव चिंतन वाले व्यक्तियों के साथ संग करना और दूसरे के संग त्यागना विषय संग जो विशेष रूप में इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए व्यक्तियों की जनसंग त्यागना और लालची नहीं बनना कोई वस्तु जितनी प्राप्त होता है उससे संतोष रहना अधिक लोभी नहीं बनना चाहिए इसकी चर्चा सुबह क्लास में हुआ था तो अभी जो चर्चा करेंगे किसी भी कार्य में यदि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं विशेष रूप में भक्तिमय जीवन है जो उसके हम प्रत्याशी है तो उसके लिए छह चीजों में जो छह चीजों को हमें स्वीकार करने से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं उसकी चर्चा होगा तीसरे श्लोक है उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागत सतह होते सद्भीर भक्ति प्रसिद्ध थी पिछले जो कहा था कि सद्भीर भक्ति विनाश सिद्धि यहाँ कहा सद्भीर भक्ति प्रसिद्ध थी कोई भी कार्य हो चाहे भक्तिमय कार्य हो या कोई भौतिक दृष्टि में भी यदि किसी कार्य में कोई सफल हासिल करना चाहता है तो पहले जो आवश्यक है तीनों चीज जरूर आवश्यक है उत्साह निश्चय धैर्य एंथुसियाजम पेशेंस और डिटर्मिनेशन उत्साह निश्चय ये तीनों चीज पहले आवश्यक कोई भी चीज कोई भौतिक दृष्टि से नहीं कोई भी कार्य जैसे कोई IIT डिग्री आप लेने के लिए कोई PhD कर रहे हो सक्सेस होने के लिए सक्सेसफुल PhD डिग्री लेने के लिए उसको उत्साही होकर उसके लिए निश्चित भावना के साथ प्रयास करना पड़ेगा ना सेम बात है भक्ति में भी
आपको साहिब बनेगा ट्रस्ट अपने जो आलसी व्यक्ति वो किसी में सक्सेसफुल नहीं होता है। आलसी व्यक्ति के सक्सेस का चलने के लिए यदि कोई उत्साह ही है केवल उत्साह होने से भी चलेगा नहीं, साथ में उसको डिटर्मिनेशन है पूरे फुल निश्चित की भावना है। मैं अभी PhD के लिए जो प्रयास कर रहा हूँ कोई IIT के डिग्री प्रयास कर रहा हूँ जो इच्छुक होकर एडमिशन लिया हूँ इसमें भावना रहा हूँ निश्चित रूप में सक्सेसफुल होगा, डिग्री एक दिन मुझे मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप सक्सेस कैसे होगा। इस प्रकार भक्ति में जो भक्ति जीवन में प्रवेश किया तो उसको भावना रहना चाहिए मैं एक दिन अवश्य भक्ति एक सक्सेसफुल भक्त बनूंगा है, तो उसी के लिए निश्चित भावना होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, निश्चित भावना होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य पेशेंस भी होना चाहिए, तीनों चीज का आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में सफलता हासिल के लिए तीनों चीज का आवश्यकता है। तो भक्ति के स्तर पर भी कोई तीनों चीज का आवश्यकता है, उत्साही रहना, उत्साही माने कौन किसे किससे उत्साह रहेंगे, भक्तिमय जीवन में हम जब भक्ति में आप प्रवेश करने के लिए जो पीछे जो चर्चा हो गया जो अनुकूल जो पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने हमको जो उपदेश दिया है तो उसको पालन करने में उत्साही रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको विधि दिया है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, स्नान करना है, फिर भगवान की आरती करना है, फिर माला पर कुछ जप करना है, ये सब क्रियाओं को करने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उत्साही बनना चाहिए, उत्साह के साथ जगना चाहिए, सुबह जगना चाहिए, जगना उत्साह के साथ जब नहीं जगते केवल बाध्यता से फिर वो उसको विधि वृत्ति कहते हैं, लेकिन आज तक जब तक हम सोते इसमें आकर्षण नहीं होता है फिर हमको इसमें कोई टेस्ट भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ दिन चल गया फिर वो बंद हो जाता है। तो उत्साह के साथ क्रिया को संपन्न करना चाहिए है? विद एंथुसियाज़म नहीं जगना है, बिना अलार्म क्लॉक में भी जग जाना चाहिए लेकिन उसे टाइम लगेगा, प्रारंभ से आपको जगने के लिए अलार्म क्लॉक का जरूरत है, अलार्म दे के रखते हैं अपना मोबाइल में वायर फोन में फिर समय पर अलार्म बजता तो भी जगता है, लेकिन यदि कोई इसको आस्ते आस्ते उत्साह की जब वृद्धि होता है तो फिर प्रारंभ में फिर उसको जरूरत नहीं पड़ता है, समय पर आपने इसकी वो जग जाता है, नींद टूट जाता है, जग जाता है, उत्साही यदि नहीं बने कैसे सक्सेसफुल होगा। कोई भौतिक कार्य में भी उत्साही होना पड़ेगा, यदि वो एग्जामिनेशन दे रहा है जैसे कोई डिग्री लेने के लिए तो उसके लिए उत्साह के साथ पहले उसको उठकर पढ़ना पड़ता ना, उसको याद करने के लिए कितने नोट बनाना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है, सबको बहुत कुछ प्रयास फिर उत्साह के साथ कार्य करता है, जो जितने उत्साही होता है वो इतने सक्सेसफुल होता है। उत्साह के साथ होने से हम उस कार्य को ठीक से निभा पाएंगे। लेकिन कुछ लोग उत्साह होता है लेकिन उनके पास डिटर्मिनेशन की कम है, निश्चित की भावना हो नहीं पाता, जिस पर निश्चित भावना नहीं होगा फिर उत्साही भी नहीं बन सकता, जरूर उसको निश्चित भावना नहीं तो उत्साह कैसे, उत्साह कैसे कहाँ से आएगा, कहाँ उत्साही नहीं बन सकता। यदि उसको निश्चित भावना है कि मैंने मैं ये डिग्री लेकर रहूँगा बनी मैं एक दिन निश्चित रूप से एक उत्साह एक शुद्ध भक्त बन के रहूंगा तो फिर प्रयास करेगा, फिर निश्चित भावना रखेगा, उत्साह निश्चय फिर धैर्य पेशेंस के साथ, ये नहीं कुछ दिन करने के बाद नहीं हुआ है छोड़े फिर तो प्रयास पेशेंस भी दरकार है, पेशेंस भी जरूरत है, धैर्य के कुछ लोग थोड़े के लिए नहीं छोड़ देते हैं तो 90% भी कोई प्रयास करके धैर्य के साथ रहता लेकिन अब थोड़े के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। भक्ति में ऐसा नहीं, भगवान का दिल ऐसे प्रयास करता है
धर्जे के साथ, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ धर। लेकिन इस पास का इतने धर्म थे, उस समय यदि थोड़ा सा कुछ कमी रह जाता उसको मैं पूर्ण कर देता हूँ। कौन? कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और जब भगवान कहते हैं कम देह प्रति जाना ही नमे भक्त्या, परीक्षा भगवान लेते हैं लेकिन फिर भी मदद भी करते हैं। तो इसलिए लेकिन कोई भी चीज़ को अगर मुझे आप सक्सेस होने के लिए इस श्लोक में एक बात कहा जा रहा है कि तीनों चीज़ के प्रति उत्साह ध्यान देना चाहिए। उत्साही रहना, उत्साह निश्चय भाग्या, भक्ति का शब्द है। इसकी बात भक्ति किसको कहते हैं? जिसकी में हमें उत्साहित होंगे। तो उसका डेफिनेशन कहते हुए इसका जो परिभाषा उसको प्रभुपाद कहते कि हमारा आचार्य लोग कहेंगे अन्या विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनंद कृष्ण अनुशीलन भक्ति तम। उत्तम भक्ति का अर्थ हम सोचते कि हम एक दिन उत्तम भक्त बनेंगे हैं, लेकिन उत्तम भक्ति का जब बनना यदि हमारा लक्ष्य होगा तो फिर हमको उत्तम भक्ति किसको कहते हैं उसको जानना चाहिए। उसके बारे में डिटेल नॉलेज भी होना चाहिए। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? फिर अन्य अभिलाष को त्यागना पड़ेगा। अन्य अभिलाष, अन्य अभिलाष तो शून्य, अन्य अभिलाष के सुख थे हमारे मन में। अन्य अभिलाष क्या? जब भक्ति करते तो उनके लिए अन्य अभिलाष क्या? अन्य अभिलाष ज्ञान कर्म, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञानी कर्मी ज्ञानी और योगी भक्त, चार प्रकार के श्रेणी बनते हैं। कर्मी जो कर्म माने कर्म करके कर्म फल को भोगना चाहते, आशा रखते कि जैसे कर्म करूंगा ऐसा ही एज यू सो सो यू रीप, जनरल स्टेटमेंट। जैसे कर्म करोगे और कर्म फल के फिर जो उसका फल को भी भोगना चाहता है, लोग कहते कर्मी। ज्ञानी तो ज्ञानी लोग जो शास्त्र का ज्ञान जानते जानते मनुष्य का जीवन का लक्ष्य सोचते कि ये शरीर तो एक दिन नाशवान हो जाए, मिट जाने वाला है, इसका नष्ट हो जाने वाला है। इसके लिए लोग ने कुछ ज्ञान का अभ्यास करके ज्ञान मार्ग में साजुज्य मुक्ति आदि प्राप्त करना चाहते, ज्ञानी का। योगी किसको कहते? जो अष्टांग योग सिद्धि, अष्टांग योग प्रक्रिया के माध्यम से जम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रहती है, प्राप्त कर लेते हैं। अनिमा लघिमा प्राप्ति वशिता काम वसायिता आदि आठ प्रकार की सिद्धियाँ कहा गया है। सुखम से सुखम बनना अणिमा सिद्धि, किसको कमर के अंदर रख के पूरा बंद कर दो, सब कुछ क्लोज कर दो, लेकिन वो उसके अंदर से निकल जाता है ना, कोई जादूगर फिर जादूगर कहते वो कौन सा सिद्धि रहता है? वो अणिमा सिद्धि। सबसे बड़ा से बड़ा अपने आकार विस्तार करना, और प्राप्ति कोई भी वस्तु प्राप्त करना चाहता है प्राप्त कर सकता है, इच्छा मात्र से हाथ से घुमाएगा बस लोट दे देगा, इसको सिद्धि प्राप्त है, सिद्धि होता है। बस कहीं भी हाथ पढ़ा के कहीं से कमल का फूल तोड़ देगा, आप कमल का फूल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। तो इसको सिद्धियाँ या आपको कुछ आश्चर्य लगता है, लेकिन जो इसको अभ्यास करता है इसको सिद्धि को प्राप्त करना भी संभव होता है। लेकिन ये भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसका? जो भक्ति जो भी है इनका लक्ष्य नहीं है इसको प्राप्त करना। इंद्रिय तृप्ति वस्तु को कर्मी लोग प्राप्त करते हैं, ज्ञानी लोग मुख्य चाहते हैं और योगी लोग सिद्धि चाहते हैं। लेकिन ये तीनों प्राप्त करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये सभी अशांत रहते हैं, इन प्रकृति में शांति नहीं मिलता, क्योंकि ये भगवान के साथ में अपना संपर्क को अभी तक स्थापना नहीं की। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। कर्मी लोग भुक्ति चाहता है, भोग चाहता है,
मुक्ति ज्ञानी चाहता है, सिद्धि योगी चाहता है, भक्त क्या चाहता है? भक्ति भक्त भगवान को चाहता है, भगवान के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा उसका मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होता, भगवान की सेवा करना चाहता है केवल। इसलिए शुद्ध भक्ति के अर्थ है अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। भक्ति उत्तम भक्ति उसको कहते हैं जो कृष्ण से अनुशीलन करना अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव से भगवान को सदा स्मरण करना। भगवान का आनंद दो प्रकार के पहले स्मरण कर सकते हैं, प्रतिकूल भाव से अनुकूल भाव से। प्रतिकूल भाव से भी कृष्ण को कंस जैसे स्मरण करता था, ऐसे कोई भक्त को भी स्मरण करना संभव नहीं है, बड़ा कठिन है। नारद मुनि भी तर्क हो जाता बोला क्या स्मरण कर सका, वो अपने पानी पीने के लेता तो पानी का अंदर में दिखाई पड़ता था, क्या देखता था? कृष्ण को देखता था, ठीक देखता था, कृष्ण इसमें खाना देखता था, अपने पत्नी आ जाता था तो अपने दरबार निकल खड़ा हो गया, आ गया कौन आ गया कंस आ गया, 24 घंटा उसको कृष्ण दर्शन होता था, किसको कंस को। लेकिन अनुकूल भाव से नहीं, इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा जाता, प्रतिकूल भाव से। वो किस लिए कृष्ण को देखना चाहता था? कृष्ण को मारना चाहता था, मर्डर करना चाहता था। लेकिन भक्ति का अर्थ ऐसा नहीं, प्रतिकूल भाव से कृष्ण को स्मरण करना नहीं, अनुकूल भाव से। अनुकूल भाव से कैसा स्मरण करना? अनुकूल भाव से भी कृष्ण को स्मरण करने का कई रीति है, सभी एक ही प्रकार में सभी को कृष्ण के स्मरण अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को स्मरण करना है कृष्ण को कैसे, कृष्ण स्वयं भगवान है और हम उन्हीं की सृष्टि है, हम इनका अंश है, इसलिए सही संबंध शांत भाव से है। भगवान का कोई सेवा करने की भावना उसके पास नहीं होता है, लेकिन जानता है भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट जानता है, इसलिए भगवान की महिमा को जानता है। लेकिन और भगवान को सेवा कर माने भक्ति करके कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को साधन करना चाहता है, भगवान की महिमा जानता है लेकिन भगवान की सेवा करना नहीं चाहता, इसको अभी और उन्नत स्थिति में नहीं आया। इससे आगे बढ़कर कोई सोचता है भगवान प्रभु है, मैं उनके दास हूँ, इसलिए उनका सेवा करना मेरा काम है, ये दास्य स्तर में आते हैं। दास्य स्तर में जैसे जितने भक्त जितने भी भक्त हैं उनमें हनुमान नंबर वन में है, दास्य रस के भक्त में भगवान की सेवा करना, भगवान प्रभु और मैं उनके दास हूँ, इस भावना ये अनुकूल की भावना कहा जाता है। ये भगवान को अच्छा लगता है जो इनकी सेवा करता है, ठीक है दास भाव से। लेकिन भगवान को और आगे यदि कोई प्रेम करता है तो फिर उसको साख्य भाव उत्पन्न हो जाता है। रामचंद्र जी भक्त भक्ति में साख्य रस के थे, कौन विभीषण था, सुग्रीव था, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के सखा के समान नहीं, कृष्ण के सखा तो कृष्ण के कान में चलने वाले हैं। रामचंद्र की कोई भी भक्त साख्य रस में होने पर भी पहले नहीं कर सकता, रामचंद्र का आलिंगन करना था, वो उनके कान में चढ़ना ही नहीं हुआ, ये लेकिन चलते थे कौन कृष्ण के जो भक्त हैं, जो ब्रज के जो ग्वाला है, जो ग्वाला बालक थे, वो पहले कृष्ण तुम्हें कौन बड़ा लोग, तुम्हें आनी सम, तुम कौन सा बड़ा हो गया, नंद के लाला हो गया तो तू बड़ा ना क्या, हम दोनों साम है समान है। कृष्ण जान बुझ कर भी उनसे हार जाते थे, कुश्ती में हार जाते थे तो कृष्ण उनको कान में बैठाना पड़ता है, ठीक कृष्ण कान में नहीं बैठेंगे तो कृष्ण को पकड़ेंगे जबर, दो चार पकड़ेंगे और एक कान में चढ़ेगा। भगवान कहते इसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है, ऐसा आनंद इसलिए साख्य रस को दास्य रस से श्रेष्ठ कहा जाता है। साख्य रस के भक्त विशुद्ध साख्य ये कृष्ण सखा में देखते थे, कृष्ण को सखा इसके लिए उन्नत और भक्त रहते माँ जशोदा की जो प्रेम है अनुकूल भाव से। भगवान है कृष्ण सभी कारण के कारण है, लेकिन उनको भी कुछ लोग बहुत ही सोचते कि ये मेरा लाला है, ब्लड गोपाल लेकर घूमते हैं, बच्चा है उसको बच्चे के रूप तरफ उसको प्रेम करते हैं, बात्सल्य भाव से इनको खिलाना पिलाना। कार्तिक महीना में एक महीना चलता है दामोदर लीला है, माँ जशोदा बांधी दी थी, बांधी थी किसको,
पेट में उधर से बांधा था उसके दामों रस्सी में उधर बांधा था दामों दोनों नाम आ गए तो इसके ये भी अनुकूल होती है। इसके बाद और भी एक कुछ भक्त होते हैं ये राधा रानी जैसे हैं राधा रानी बाहर ललिता सखी आई ललिता विशाख सखी आई वो लोग सोचते क्या कृष्ण क्या कृष्ण के साथ कैसे भक्ति करेंगे माधुर्य रस में कंजुगल लव माधुर्य रस में सुखिया माधुर्य पर क्या माधुर्य। तो इस प्रकार द्वारका की रानियां और ब्रज की गोपियां भगवान को प्रेम करते हैं। तो इसलिए इसी भाव से ये लोग जो चिंतन करते भगवान को चिंतन सब समय करते तो ये अनुकूल भाव से करते अनुकूल भक्ति का अर्थ अनुकूल्य कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम भक्ति के दूसरे एक डेफिनेशन कहते कि नहीं भक्ति का अर्थ भी और है। नारद मुनि कहे भक्ति का क्या अर्थ है कहे कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्पर निर्मल ऋषि के सेवनम भक्ति उच्चते। भक्ति किसको कहते हैं सारे उपाधि से मुक्त होना भक्ति के जो भक्ति करना चाहता है इसको बाह्य उपाधि से मुक्त होना जानना चाहिए कि शास्त्र के आधार पर पुष्टि किया गया कि मेरा जो मैं जो हूँ मैं एक जीवात्मा हूँ परमात्मा के अंश हूँ मेरा टाइटल और यही मेरा असली परिचय है ये जो मैं अभी के मेरे बॉडी में हूँ इसलिए मैं मेरा कुछ आइडेंटिटी है और कोई फीमेल बॉडी में है उसका आइडेंटिटी कुछ फीमेल है ऐसा नहीं। आत्मा ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है ये तो कर्म के आधार पर केवल यदि आप मृत्यु समय में कोई मेल बॉडी में है लेकिन शरीर त्यागने के समय में यदि वो स्त्री का चिंतन करेगा अगला शरीर उसका क्या बनेगा स्त्री बनेगा। स्त्री यदि अंत समय में किसी पुरुष को चिंतन करके शरीर त्यागा तो अगला बॉडी कैसा है पुरुष का। इसलिए आत्मा को भी स्त्री व स्त्रीलिंग या पुंगलिंग या पुरुष ये सब उसके पुंगलिंग नहीं है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कई इसको साइकियाट्रिस्ट लोग भी एग्जामिन करके एक्सपेरिमेंट करके सब प्रूव किए हैं। आप प्रैक्टिकल हम देखे मैं लंदन में था वहाँ पर हमारा भक्ति वेदांत मैनर है सेंटर वहाँ पर एक माता जी सेवा करती है लेकिन इसको इसका पिछले जन्म का पूरा याद है पिछले जन्म में वो एक मेल था मतलब एक भक्त था वो प्रूफ जिसे दिखा लिया था और कैसे इंस्टीट्यूशन मैं जाता था लंदन रथ यात्रा में गया था किताब लेकर जाता था लेकिन वो जो ब्रह्मचारी था उस समय उसको एक लड़की में प्यार था एक दूसरे लड़की जाता था वो देखा कि ये रोड का इस साइड में चल रहा है किताब लेकर दूसरे साइड से वो लड़के जो लड़की है दूसरे के दूसरे साइड में जा रहा था ये उसको मिलना चाहता था इसलिए वो एक उसको देख के एकदम बहुत फोर्स में पूरा क्रॉस किया लेकिन उस समय एक ट्रक भाग के आ रहा था इसको ध्यान नहीं वो ट्रक आकर ट्रक मार गया उसका स्पॉट डेथ हो गया लेकिन हाथ में तो गीता पढ़ा हुआ था लेकिन चिंतन अंतिम चिंतन किसका था वो स्त्री का था उस लड़की का अगला शरीर इसलिए कैसा मिला लड़की का मिल गया है। भगवान इसको किताब में प्रूव करते हैं अंत काल जमान नित्यम स्मरण रूपता जैसे जैसे चिंतन करके शरीर त्यागता है अगला शरीर वैसे ही वो मिल जाता है। तो इसलिए भक्ति का अर्थ ये उपाधि नहीं उपाधि को त्याग उपाधि अर्थात जीवात्मा के ऊपर हम सब उपाधि लगाए हैं मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ये उपाधि है ये जीव का असली परिचय नहीं है। कोई सोचता कि मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ ये सब शरीर के साथ ही टाइटल जुड़ा हुआ है ये आत्मा के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है। मैं हिंदू हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ मैं ये क्या मुस्लिम हूँ ये भी सब टाइटल है आत्मा इसमें कुछ नहीं है आत्मा तो परमात्मा के अंश है शुद्ध अंश है। तो इसलिए भक्ति करने का जो भक्ति को ही कर सकते हैं इसलिए भगवान कहें कि स्त्रीय शूद्र तथा स्त्रीय शूद्र तथा वैश्य परागति कोई भी भक्ति करने के योग्य है भक्ति में कोई भी सफलता हासिल कर सकता है यदि उत्साह के साथ प्रयास करेगा निश्चित भावना से कोई भी हो कोई स्त्री भी भक्ति कर सकता है कोई पुरुष भी भक्ति कर सकता है लेकिन नहीं मैं पुरुष बॉडी में मैं अच्छा भक्ति करूँगा स्त्री अच्छा भक्ति ऐसा भक्ति में ऐसा कोई वाच विचार भगवान के पास नहीं है।
कोई भी महान भक्ति कर सकता है। कुंती महारानी द्रौपदी आके महान सौमरी राम भक्ति में कोई भी भक्ति कर सकता है, श्रेष्ठ भक्ति। इसलिए एक पहला प्रोपद के लिए इसको जानना चाहिए, उपाधि से मुक्त होना चाहिए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, निर्मल हृदय में तत्परत निर्मलम। ऋषि के ना ऋषि के सर, ऋषि का माने इंद्रिया, हमारा जो इंद्रिया है इसको इंद्रियों की स्वामी, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना, इनकी सेवा में हमारे इंद्रियों को लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं। हमारे सारे इंद्रियों का भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इनको भी हम अपना शरीर का सेवा में लगा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, लेकिन इनको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे अपने आचार्य से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कैसे इंद्रियों की सेवा में लगाते हैं, महाराज अम्बरीश के जीवन में उदाहरण दी जाती है। महाराज अम्बरीश एक आदर्श राजा थे, पूरे विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना समस्त इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया थे। सबई मन कृष्ण पादारविंद वचांसी वैकुंठ पुराण वर्णने, इनके मन सदा भगवान के चरणारविंद में लगा हुआ था, कृष्ण चिंतन में। इनका जो कुछ बोलना है तो कृष्ण के बारे में बोलते थे, चिंतन कृष्ण के बारे में होता था, हाथ है तो भगवान के मंदिर मार्जन करने में, भगवान के लिए फूल तोड़ने में, भगवान के लिए माला लगाने में लगाते थे, पैर है तो पैर में भगवान की लीला स्थली को परिक्रमा करते थे, मंदिर का परिक्रमा करते थे, आंख है तो भगवान के सुंदर श्रृंगार श्रीमूर्ति को दर्शन करने में लगाते थे, जीवा है तो इसको किसमें लगाते थे, भगवत प्रसाद खाने में और भगवान के बारे में बोलने में, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने में, गीता भागवत की बोलने में, और गीता भागवत को सुनना काम, इनके प्रत्येक इंद्रिया लगे हुए थे इसमें भगवान की सेवा में। ये समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में जो लगाता उसी को भक्त कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। ये नारद मुनि संक्षेप में समझा दें, हमारे समस्त इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी भगवान की सेवा में लगाना उसी को भक्ति कहते हैं, और उसी के लिए उत्साही उत्साह के साथ जो क्रिया को संपन्न करता है तो उसको भक्त कहते हैं। इसमें सफलता हासिल करने का रहस्य है उत्साह रहना, उत्साह के साथ ही कार्य करना, बाध्यता से नहीं, कुछ प्राप्त कुछ हमको मिलेगा, फायदा कुछ मिलेगा इसी के लिए करेंगे ऐसा भावना लेकर नहीं, किस लिए काम करेगा फिर, प्रेम के कारण। संसार में जो हम प्रेम तथाकथित प्रेम करते परमानेंट नहीं रहता, इसमें स्वार्थ नहीं रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रेम यदि कोई दृष्टांत भौतिक जगत में होता है वो केवल माँ और बेटा मैंने पिता, इसके लड़का लड़की मैंने इनके जो बच्चे हैं और माँ नहीं, उसको सच्चा प्रेम देख सकता वहाँ पर। माँ जो छोटे बच्चे की इतनी सेवा करती है उसमें कुछ नहीं सोचती कि बड़ा होगा मेरे कुछ करेगा, ये भावना कि नहीं, उसको प्रेम है बच्चे, इसीलिए वो उसके मौल वृत्र तक सब कुछ सफाई करता है, उसके सभी खान पान सभी है बड़े प्रेम से करता है, उसकी वापस में उसको कुछ मिलेगा ऐसी भावना नहीं रखता। भक्ति भी ऐसा ही प्रेम, जिस भगवान को प्रेम करने के कारण भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसके कुछ फायदा मिलेगा ऐसे चिंतन नहीं रहता। इसको कहते तो अन्याय विलासित शून्य, ऐसे भावना से रहित तो होगा, केवल प्रेम का कारण भगवान की सेवा करता है उसको भक्ति कहते, शुद्ध भक्ति कहते। तो उसी में उत्साह के साथ करना, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ। माँ यशोदा कृष्ण की सेवा करते थे उत्साह के साथ करते थे ना, जो कुछ उसके कार्य करते थे, सुबह से दूध को जो उगाड़ती थी मैंने उसको माखन बना, जो कुछ किया करते बड़ा उत्साह के साथ, कृष्ण के चिंतन में रहती थी, कृष्ण की गुणगान करती थी, फिर अपने उन्हीं का सेवा कोई उसमें लगा रहता था। उसी प्रकार जैसे आप यदि कोई भौतिकवादी कार्य में भी संपन्न उसमें सफलता हासिल करना चाहते तो उसमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, नोट बनाना, फिर उसके चिंतन करना, आने से फिर वो समय पर आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आप रख सकते हैं। भक्ति ठीक ऐसा ही है, आपको भक्ति क्रिया में पूरा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, जिस सुबह उठना है मंगला आरती में आना है
इसलिए उठकर स्नान करना, फिर भगवान को जगाना, आरती करना, भोग लगाना, आरती करना सब, लेकिन इसको बाध्यबद्धता से नहीं, बस कुछ मिलने के लिए मिलेगा, फायदा मिलेगा इसीलिए करना है, ऐसे भावना रखने से शुद्ध भक्ति नहीं होता है। लेकिन इसको जो उत्साह के साथ करता है और इसको आनंद आता है उससे, यदि प्रेम के साथ कुछ करेगा उसको आनंद मिलेगा, प्रेम के साथ बाध्यबद्धता से करता तो उसको आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये श्लोक में कहते कि रूप गोस्वामी आप यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तीनों चीज को स्वीकार करना पड़े, उत्साह निश्चय धैर्य। कुछ उत्पाद उत्साह होता है, उत्साह तो प्रारंभ से दिखाई पड़ता है, कुछ जैसे कोई आता है देखता है कि भक्तों कृष्ण मंदिर में गया तो कोई नाच रहे हो, इसको उत्साह उत्पन्न हो गया है और कहा वो भी नाचा शुरू कर दिया, लेकिन उत्साह पास कुछ ज्यादा समय नहीं रहता है, फिर आस्ते आस्ते उत्साह डाउन होता है, क्योंकि वो पहले जानता नहीं था कुछ, बाद में आगे इसको में जेल भी कर ले, फिर बाद में इसको भक्तों का कमियां कुछ दिखाना दिखाई पड़ता है, अरे ये नाचना नाचता था उसके कीर्तन में डांसिंग करता है, फिर भी देखते कि झगड़ते हैं तो कमियां दिखना शुरू कर हो जाता था, फिर उसका उत्साह घट जाता है, फिर उत्साह नहीं होता है। जिस भक्त के साथ नाच रहा था फिर उसके बाद में दोबारा रहता तो नहीं नाचता, फिर उसका उत्साह कम जाता है, लेकिन व्यक्ति को ये उत्साह को बजाय रखना पड़ेगा, इसके लिए धैर्य धारण, धैर्य के साथ निश्चित भाव नहीं, मैं यदि उत्साह के साथ ऐसे ही भगवान के सामने गाऊंगा नाचूंगा कीर्तन करूंगा नृत्य करूंगा अवश्य भगवान प्रसन्न होंगे, उस भावना को दृढ़ मैंने निश्चित भावना के साथ जानना चाहते हैं, वो जानना नहीं कोई इधर से, इसीलिए इसको सत्संग को त्यागना चाहिए, संग त्याग सतर्दे। इसीलिए जो लोग निंदक है दूसरे के निंदा करते हैं चुगली करते हैं वो भक्तों से संग नहीं करना चाहिए, इसलिए कहते हैं संग त्याग उत्साह निश्चया धैर्य तब तक कर्म प्रवर्तन अर्थात पूर्ववर्ती आचार्य जो मार्ग का प्रदर्शन कर रहे हैं उस मार्ग पर चलना, हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है प्रभुपाद जी आपको मार्ग दिए हैं, मणिगावर में उठो स्नान करो ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान की मंगला आरती में जाओ आरती में आरती दर्शन करो आरती करो दर्शन करो, फिर आप भगवान के कुछ माला प्रभुपाद कहे कि जल्दी माला पर जप करना है, आपको चार नियम पालन करना जरूरी है, नशा नहीं करना, जुआ सटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना, ये चारों चीज भी फिर पालन कर ली, ये सब कुछ जो पालन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो कह विधि दी है इसको उत्साह के साथ संपन्न किया जाता है, इसको तत्त कर्म करना, पूर्ववर्ती आचार्य ने दिया हुआ जो मार्ग है उसकी अनुसरण करना, संग त्याग सतोरुद्ध। जो भक्त अच्छे भक्ति करते आगे उन्नत स्थिति पर बढ़ रहे हैं उनके संग करना, क्योंकि असत संग को त्यागना ये वैष्णव की आचरण है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, ये गंतर साधारण लोग कहा करते हैं, आप जैसे संग करोगे ऐसे तो आपका रंग भी बन जाएगा, कोई मद्यप के साथ संग करोगे तो फिर आप आस्ते आस्ते आपको भी मद पीना सीख जाओगे, यदि कोई भक्त के साथ संग करोगे तो आप भी आस्ते आस्ते भक्ति करना सीख जाओगे, जैसे जैसे भक्त संग करोगे आस्ते आस्ते आप मोटी के सही परिवर्तित होते रहेगा, इसलिए संग त्याग असत संग त्याग वैष्णव आचार, वैष्णव का आचरण ये, वो क्या करना चाहता था, कोई अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ अच्छे क्रिकेट प्लेयर के साथ मिलेगा बाहर उनकी मैगजीन से पढ़ेगा वो कैसा स्कोर करता क्या करता है, फिर आस्ते आस्ते प्रयास करेगा तो उसी मार्ग फिर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, आस्ते आस्ते क्रिकेट अच्छा उसका आइडिया, लेकिन हमारा आइडिया क्या है, हम एक अच्छे कृष्ण भक्त बनना चाहता कोई तो उसको अच्छे कृष्ण भक्तों की संगति करना पड़ेगा, उनके निर्देशन में वो जैसे कार्य करते हैं तो भक्ति क्रियाओं को श्रवणम भक्ति में क्रिया क्या नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज कहे प्रहलाद महाराज कहे नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम
वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति एक एक व्यक्ति एक एक अंग को अपने जीवन में उतार कर जीवन को अपने स्वयं को सक्सेसफुल बनाए, उत्तम भक्ति भक्त के रूप में समाज में उनकी ख्याति व्याप्त हुआ, भगवान को प्रसन्न किया, एक मार्ग है। आपको कौन सा नवधा भक्ति का सभी मार्ग सभी को अच्छा नहीं लगता है, और एक एक अंग को भी पालन करेगा उत्साह के साथ निश्चय की भावना के साथ धैर्य के साथ वो सक्सेसफुल हो जाएगा। भला एक अंग श्रवण, भला अंग कैसे श्रवण, केवल श्रवण करने की रुचि को उत्पन्न करके भागवत को श्रवण करके ही भगवत प्राप्ति की, कौन परीक्षित महाराज। श्रवण करना तो करें उनसे सीखना, उसे उत्साह के साथ सुनना, जैसे प्रहलाद अन्य परीक्षित महाराज सुनते थे किससे, सुखदेव गोस्वामी से। परीक्षित महाराज जब मैंने पूरा विश्व के सम्राट थे, हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन जब ये उनको पता चला कि अभी तक्षक के दंशन में सर्प दंशन में 7 दिन में इनके मृत्यु होने वाला है, तो वो फिर एक क्षण में सब कुछ त्याग कर सुखदेव गोस्वामी के पास में गंगा किनारे आ गए हैं, वहाँ कर बैठ कर श्रवण किए हैं। 7 दिन तक ऐसे श्रवण किए कि श्रवण करने का समय में इनको और किसी क्रिया में मति नहीं रहा था, फुल कंसंट्रेशन उसी में है। यहाँ तक खान पान की चिंता भी नहीं रहा, 4 दिन तक सुने बैठकर 4 दिन रात सुनते थे नॉन स्टॉप है। सुखदेव गोस्वामी कहे कि आप एक सम्राट हो, आपको ऐसे अभ्यास नहीं है वैराग्य का, वैराग्य के आपको त्यागना का, लेकिन हम तो वैराग्य ही, आप तो ऐसे अभ्यास है, लेकिन आपका तो अभ्यास नहीं है, आप थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा है चल खा के फिर बैठो। बोले नहीं ऐसे में जो आनंद आ रहा है श्रवण में, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही चीज इंद्रियों की क्रिया है, ऐसे में मुझे कोई आकर्षण नहीं है, हम उनको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब व्यक्ति उन्नत स्थिति में आता है उसमें आकर्षण अपने आप हट देता है। हमारे वृंदावन के गोस्वामी लोग थे, निद्रा आहार विहार आदि विचित्र, इनको भी ये 2 घंटे सोते नहीं, दिन में 2 घंटे भी रेस्ट करने की इच्छा नहीं होता, इससे ज्यादा करना। रघुनाथ दास को सुनते 1.5 घंटे बस सब कुछ क्रिया संपन्न कर लेते थे, ये जान बुझ कर ऐसे प्रयास करके नहीं करते थे। जब कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है भौतिक क्रियाएं अपने आप घट जाते हैं। तो इस प्रकार यदि कोई श्रवण करता है, श्रवण में ऐसे उत्पन्न होना चाहिए रुचि, परीक्षित महाराज से रुचि उत्पन्न किए थे, दिन रात बैठकर 7 दिन 7 रात भागवत सुने, जिस भागवत को आपको समझने के लिए कई साल चले जाता है समझ नहीं, वो 7 दिन 7 रात में, क्योंकि पूरे कंसंट्रेशन में उसको सुने, इसलिए सुनना है तो ऐसे ही परीक्षित महाराज से श्रवण करो, वो आचार्य है श्रवण की, श्रवण परीक्षित। कीर्तन करना है तो कैसे उत्साही बनना है, सुखदेव गोस्वामी कैसे कीर्तन करते, 7 दिन 7 रात बैठकर भागवत, जो कीर्तन करता है तो एक जहाँ अच्छे परिवेश देखता है, अच्छे वाले श्रद्धालु भक्त होते हैं उनके बीच में कीर्तन करता है, जब सो भी श्रद्धा है उनको वो भी कीर्तन करना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसा ही फालतू कुछ बोलते नहीं है, चलते रहते थे रास्ते सब समय, किसी कुछ मांगते भी नहीं थे कि ना कहीं कीर्तन हमेशा नहीं करते थे, लेकिन यदि योग्य भक्ति मिला तो कीर्तन की, कौन मिला परीक्षित, श्रवण करने वाला एक योग्य व्यक्ति मिलेगा, फिर उसके पास कीर्तन करने से वो सुनेगा। भागवत महारे को दृष्टांत दिया गया, भरत में जड़ भरत और राहुल है, जड़ भरत वो जड़ पूरा जड़ के जैसे रहते थे, बातचीत जैसे गुंगा जाते बातचीत कुछ कर किसी कुछ नहीं करते, लेकिन जब इनको जड़ का एक योग्य व्यक्ति मिला, कौन राहु गण फेर बोलते रहे उसको एडवाइस दी, इसलिए कीर्तन करना है तो सुखदेव गोस्वामी को फॉलो करो, वो जैसे कीर्तन करते थे ऐसे कीर्तन यदि करोगे, कीर्तन करना केवल भगवान के बारे में, सुखदेव गोस्वामी जैसे कीर्तन किया है, भागवत श्रवण कर वो भागवत बोलते थे ये कीर्तन है, और हम जैसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करती ये भी कीर्तन है, भगवान के नाम और रूप और गुण और लीलाओं को कीर्तन किया जाता है। यदि आप सदा भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, जब 24 घंटे आप समझ गए कि भगवान को सदा स्मरण करना भक्ति का यही रहस्य है, 24 आवर्स इन कृष्ण।
तो फिर कृष्ण स्मरण में कौन है? प्रह्लाद। तो उनके फॉलोअर है, कितना भी कुछ हिरण्यकशिपु कर लिया लेकिन भगवान को स्मरण करना छोड़े नहीं, सदा कृष्ण स्मरण करते, सर्वत्र में कृष्ण दर्शन होते। हिरण्यकशिपु कहा कि खंभा में क्या करे भगवान, कृष्ण है ना कि नहीं, इसका अंदर है विष्णु है, बोला पिताजी हाँ सर्वत्र है, जहां भी देखते मेरे आंखें जहां भी पड़ता सर्वत्र में कृष्ण को देखता, खंभे में भी देखता है, तो गुस्सा आया खंभा को मारा, बोली भगवान वहीं से निकले अपने भक्त का वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए, सत्य विधात निज भृत्य भाषित, निज भृत्य प्रहलाद का वचन सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान खंभे से निकले, फाड़ दिए इसको, देखना चाहता मुझे कहा हिरण्यकशिपु भगवान की स्थिति सर्वत्र है, भगवान को सब सदा स्मरण करने के लिए कल ये प्रहलाद प्रसन्न है, प्रहलाद से स्मरण किए जा स्मरण करना, तो उनको आदर्श घर पर बनना उस स्मरण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन, यदि भगवान की चरण सेवा करके भी कोई भगवान की प्रसन्न करना चाहता ये भी भक्ति का एक अंग है, तो फिर आप सदा भगवान की चरण सेवा करने वाली कौन है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी सदा भगवान की चरण कमल भगवान के इनको पाद सेवन भी उनके नाम आती है, तो उनसे सीखना, उनको पूजन करके मैं उनको प्रसन्न करके उनसे सीखना, आशीर्वाद लेने से फिर भगवान की पाद सेवन में सफल मैंने पूरा पुष्ट हो सकते हैं, बहुत कला को सीख सकते हैं, भगवान प्रसन्न कर सकते हैं। पाद सेवन में ये सब आता है, परिक्रमा करना ये करना कुछ भी ऐसे पाद सेवन में आता है, लेकिन विशेष रूप में चरण को संवाहन करना जैसे लक्ष्मी जी करते थे, उनको खिलाना पिलाना ये सब भी वो भी लक्ष्मी शुरू करते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान को खिलाना, भगवान की सभी प्रकार की सेवा करना, ये भी पाद सेवन में ही आते हैं। अर्चन यदि अर्चन करना, भागवत के उदाहरण देवी पृथ्वी महाराज एक राजा थे, लेकिन भगवान के अर्चन पर नाग पंचरात्र की विधि से भगवान के अर्चन करके अपने जीव सिद्धि प्राप्त किए थे। अर्चन करना तो फिर नारद मुनि की पंचरात्र विधि को पालन करना जरूरी है, पंचरात्र विधि में नारद मुनि बताए बोला कैसे अर्चन किया जाता है, ठीक है। वंदना करना है तो अक्रूर जी की वंदना में नाम आता है, अक्रूर जी जैसे कृष्ण बलराम का चरण चिन्ह कौन सा भेज दिया है जहाँ कृष्ण बलराम के लिए क्या नाम है, लेकिन गए भगवान के चरण चिन्ह केवल देखकर ब्रज के ब्रज में ब्रज थोड़ी में तो वही पर हैं वो पूर्ण मूर्छित होकर गिरे, भगवान की मैंने स्तुति करने प्रारंभ किए, तो अक्रूर जी से सीखो स्तुति कैसे करना है, वैसे ही भक्त को वंदना में दास्य दास रूप में सेवा करना, तो हनुमान से सीखो, हनुमान कैसा सेवा करते हैं, ऐसा दास बनो, हनुमान जी से दास बनोगे तो आपके जीवन सफल हो जाएगा, हनुमान जी कैसा रामचंद्र जी के लिए किया क्या नहीं किया, लखनऊ को बचाने के लिए राता रात जाकर लेके आए, क्या विश्वकर्मी मुख्य संजीवनी लाने के लिए हिमालय जाकर पूरा पहाड़ को उठा के लेके आए, क्या क्या नहीं किया राम लखनऊ के लिए, राम के लिए सीताराम के लिए, सीताराम को मिलाने के लिए लखनऊ में उनका जो भूमि क्या किसका है, हनुमान जी का है, नहीं तो लंका में जाना एक शिलंग में रामेश्वर से पहुंचना कहाँ श्रीलंका में, इस कारण से लक्ष्मी है ये दास्य भाव से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता किसके साथ, सब लोग एक बार प्लान बनाए चलो आप लोग हनुमान जी सारे काम करता है हमको चांस नहीं है, हनुमान जी सुबह सुबह जब सरजू में स्नान करने गए तो सब लोग पहुंच गए रामचंद्र जी पास, कहे ये नहीं चलेगा ये आप मुख्य बात कर रहे हैं, सारे सेवा ये करता है कौन हनुमान, हमारा सबका अधिकार है, इसलिए आज से इतना दिन बहुत बहुत सेवा कर लिया हनुमान, हम अभी रूटीन बना के देते हैं और रूटीन का अनुजाई आप सुबह आएंगे आपकी सेवा करने, सब कुछ चांस मिलना चाहिए, तो लोग पूरा रूटीन बना दे 24 घंटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके अंदर हनुमान के नाम रखा ही नहीं, हनुमान जी ने स्नान करके आए बोले हनुमान पहले देख लो चार लगा, ये नहीं चलेगा कि तुम देखिए प्रभु का सेवा करेंगे, हम सबका अधिकार है, हनुमान देख रहे चार पर उसका नाम ही नहीं, फिर भी गया प्रणाम करने के लिए, प्रणाम किया था भगवान रामचंद्र कहे क्या हनुमान
बोलो ऐसे ये लोग सब मिलके चार बनाए इसमें देख लिया फिर भी तुमको मैं एक एक कुछ हैं बोल देना मैं अलाउ करूंगा सेवा बोलो कोई एक सेवा मांगो तो बोले प्रभु ठीक है मेरे को सब समय सेवा तो मैं आपके नाम का लेता हूँ लेकिन यही मांगता हूँ कि मैं आपको जब जब भाई आएगा तभी मैं क्या करूँगा सीताराम को हमें चुटकी लगाऊंगा हाँ इंटेलिजेंट है ना बढ़िया उधर बैठिए बोले हनुमान उठो यार नहीं नहीं प्रभु जी से जब भाई आएगा देखूंगा मैं चुटकी लगाऊंगा ना मैं नहीं देखूंगा तो चुटकी कैसे लगाऊंगा सीताराम कहा कि चुटकी लगाऊंगा जब जम भाई आएगा प्रभु को तो मुझे पता कैसे चलेगा रामचंद्र जी ने कह दिया ठीक है और तो आप लोग सेवा करो बैठ के सीताराम करते रहे इधर बैठ गया हनुमान जब रात हो गया तो सीता जी आ गए तो फिर रामचंद्र अपने सीता जी कमरे में चले गए तो हनुमान जी ने बाहर भी परिक्रमा करते रहा चुटकी लगाते रहा सीताराम 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 करते रहा था बार बार उनको जम्भाई आने लगा किसको रामचंद्र जी को कि हनुमान सीताराम घर चुटकी लगा रहा है हे महाराज क्या हो गया क्या सारे डॉक्टर आ गए सुषमा सब वैदिक बुलाए वशिष्ठ आ गए सभी आ गए पूरा हल्ला मच गया अयोध्या में ये क्या हो रहा भगवान बार बार जम्भाई आ रहे तो वशिष्ठ मुनि आ गए भाई अच्छा सब लोग कही जैसे कि सब लोग पूरा सीरियस हो गए लेकिन वो बोला कि बोले हनुमान कहाँ है सब लोग तो दिखाई पड़ते हनुमान नहीं दिखाई पड़ रहा इधर हनुमान तो बाहर परिक्रमा में लगा हुआ चुटकी लगा तो हनुमान को लेके आ गया हनुमान को लेके आ गए भगवान के सामने बस बोले चुटकी उसका पंख के भगवान के सामने बैठा बस बंद हो गया तो सभी लोग हाथ जोड़ लिए थे तो हनुमान को जैसा सेवा करता था पहले करते थे आम डेंजर होती एक चुटकी है कहानी कहते हैं लेकिन हनुमान जैसे सेवक यदि दास्य दास बनना है प्रभु की फिर हनुमान जैसे बनो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सखा के रूप में तो कृष्ण की कितना सखा है उनके आदर्श को देखो दास्य में साख्य में आत्मनिवेदन के भक्त में साधारण तक बड़ी महाराज को आदर्श कहा जाता है बड़ी महाराज सब कुछ दिए किसके लिए बामन देव मांगे तो अपने गुरु को भी आदेश को भी टाल दिए शुक्राचार्य बोलता था मत दे इसको ये विष्णु है ये बामना नहीं ये छोटा बामना में बनकर आया है लेकिन सर्वस्व मेरे का तेरे छोटा छोटा पैर दिखा रहा ना ये छोटे छोटे पैर बोला तीन पग जमीन चाहिए ये तीन पग नहीं त्रिविक्रम धारण करके एक एक पद में एक एक पग में एक एक लोग पूरा पूरे मरते लोग स्वर्ग लोग सब ले दिखा तेरे तो जो राजा सोच रहा है सब तीसरे पॉइंट देने के लिए तेरे पास नहीं रहेगा कुछ लेकिन फिर भी जानते हुए भी लेकिन भगवान की वो सब कुछ अर्पण भगवान जब दो पग में ही उनके साथ राज्य ले लिए स्वर्ग और मर्त्य के अधिपति थे सब ले लिए कहीं तीसरा पद कहाँ रखूँ बोलो तब भी करके नहीं अभी तो जिसका संपत्ति होता है उस संपत्ति का जितना वैल्यू होता है उसका मालिक का उस वैल्यू उसके ज्यादा उससे ज्यादा होता है तो इसलिए आप अभी मुझे स्वीकार नहीं की मेरा संपत्ति को स्वीकार किया ना जब कि छा ले ली ठीक है लेकिन तीसरे पैर शरीर अभी तक है तीसरे पैर आप मेरे सिर में रखिए तो भगवान हार गए भक्त भगवान में झगड़ा होता था जीत किसका होता है भक्त का जीत होता है भगवान को आनंद आता है भक्त से परास्त होने से माँ यशोदा बांध देती थे भगवान को आनंद आया उससे कभी राधा का राधा रानी जब गाली देती है कृष्ण को उसमें कृष्ण को आनंद होता है आता है अपने भक्त से पराजित हो जाने से भगवान आनंद आता है तो इसलिए यदि आत्मनिवेदन करना तो बड़ी महाराज का गोपियों की अनुसरण कर ब्रजवासी लोगों ने सब कुछ अर्पण कर दिया कृष्ण को कुछ नीचा पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है भगवान प्रसन्न जैसे जिसमें होंगे उसके लिए आप सब कुछ कृष्ण में निचार कर दिए यह आत्मनिवेदन कोई व्यक्ति इसमें से एक एक अंग को आश्रय करके भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है कोई सारे अंग महाराज अम्बरीश की तरफ अपना कर सिद्धि प्राप्त कर सकता लेकिन मूल जो सिद्धि का रहस्य है उत्साह निश्चय धैर्य फूल एंथुसियाज़म के साथ
प्रयास करना चाहिए, उस निश्चय भावना होना चाहिए, मैं निश्चित रूप में ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक हताश नहीं बने पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, तो फिर आप हताश हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो शुरू से ही हताश हो गया तो फिर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, उस निश्चय की भावना और धैर्य, ये दोनों आवश्यकता किसी कार्य में सफल हासिल करने के लिए। इसी प्रकार भक्ति में उत्साहित होकर कार्य में लगे रहना, पूरा पेशेंस रहना चाहिए धैर्य के साथ, और निश्चित भावना एक दिन में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा। अभी राम मंदिर अयोध्या में कितना साल का संघर्ष चला, 500 साल बाबरी मस्जिद बाबर बनाया था, तो उसके लिए राम जी का जन्म, राम बाबा का जन्मस्थान है ये, हमें यहाँ पर मंदिर बना के रहेंगे, ये जो डिटर्मिनेशन है, कितने लोग सेक्रीफाइस किए, लेकिन एक दिन सफल, लेकिन उसके लिए कितना उत्साह, कितनी उत्साह और निश्चय धैर्य है, तीनों का आवश्यक। कोई भी कार्य, ये तीनों चीज यदि आपके पास नहीं है फिर आप जय नहीं हो पाओगे कोई कार्य में, भौतिक दृष्टि में हो या आध्यात्मिक दृष्टि में हो। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फोर सिग्नल डिक्शनरी। बुद्धू का डिक्शनरी में एक शब्द रहता क्या, इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि वर्ड, क्योंकि कहते थे ये ओरिजिनल तो स्टेटमेंट नेपोलियन बोनापार्ट का है, ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, वो कहा था क्योंकि ये फ्रांस का जो मिलिटरी वाहिनी वो एक साधारण पदातिक सैनिक था, लेकिन उसके मन में ये भावना था कि मैं एक दिन अवश्य फ्रांस का एम्परर बनूंगा, तो उसी के लिए प्रयास किया है, उत्साह निश्चय की भावना के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ उससे प्रयास किया। अच्छे जब रिपोर्ट ले, अच्छे सेवा करते रहा तो उसका प्रमोशन होते रहा है, साधारण पद आस्ते आस्ते कमांडर बन गए, फिर आस्ते आस्ते चीफ कमांडर बन गए, फिर आस्ते आस्ते वो पूरा फ्रांस का एम्परर बना है, जो कि ब्रिटिश वाहिनी जो कि कोई इसको पराजय नहीं किया था उसको भी परास्त करके पूरे वर्ल्ड कॉन्करर बना, कौन नेपोलियन। इसलिए आज भी फ्रांस में जाओगे ना, फ्रांस के हर चौक में आपको देखोगे, किसका फोटो देखोगे, जितनी इम्पोर्टेंस चौक में आपको देखोगे उसका स्टैचू देखोगे, नेपोलियन का, उनका नेशनल हीरो है फ्रांस का। लेकिन साधारण एक सैनिक भौतिक दृष्टि में ऐसे वो स्टेटमेंट को हारा लेना इम्पॉसिबल वर्ल्ड, क्योंकि देखा है कोई इतना बड़ा क्वालिफाइड नहीं था लेकिन प्रयास किया। आज आप देखेंगे क्या नरेंद्र दामोदर मोदी उसका क्वालिफिकेशन किया है, लेकिन एक दिन भारत का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा, कितने कंट्रैक्ट सर गया, कोई कहता है कि आम पड़ा प्राइम मिनिस्टर उसे, लेकिन छोभी है, लेकिन उसका उत्साह है, वो जो पद को संभाला है बड़े उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य, ये तीनों चीज नहीं तो कोई सफलता किसी कार्य में हासिल नहीं कर पाएगा। भक्ति ठीक इसी प्रकार की, कोई भक्ति में भक्ति का शुरुआत करना चाहता है, भक्ति जीवन में प्रवेश करता है, तो उसको उत्साह के साथ पूर्ववर्ती आचार्य जो लोग भक्ति करके सिद्धांत की स्थापना किए हैं, अपने जीवन को सिद्ध किए हैं भक्ति करके, ऐसे आचार्य के दिया हुआ मार्ग को अनुसरण करना, ऐसे उत्साह निश्चय दर्जा तब तक करना, नशा नहीं करना, जुआसा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, वैदेशिक से मुक्त रहना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मंगलारती में आना, ऐसे जो विधि से होती है, 16 बार जप करना, नियमित रूप में भागवत का श्रवण करना, ऐसे यदि आप उत्साह धैर्य के साथ करेंगे आस्ते आस्ते हम शुद्ध भक्ति के स्तर में आ जाएंगे। तब तक कर्म प्रवर्तना संग त्याग है, संग त्याग करना असल संग त्याग ये वैष्णव आचार सत्संग में रहना, भक्तों की संगति में रहना। सभी लोग का चिंतन एक नहीं है, जिसको आध्यात्मिक रुचि है, कई जगह पर मुझे आध्यात्मिक चर्चा हो रहा है, संग हो रहा है, सत्संग में भाग लेता है, सभी लोग तो ही भाग लेते हैं, जिसको जिसी में रुचि है उसमें वहां बैठ के वो संग करता है, उसी विषय में चिंतन करता है, उसी में आगे उसकी प्रगति करता है। इसलिए भक्ति में प्रगति करना चाहता तो फिर समान चिंतन वाले, समान विचारधारा वाले व्यक्ति इकट्ठी होकर उसके श्रवण करते, कीर्तन करते और स्मरण करने में प्रयास करते। तो इसलिए ये है महर्षि, ये श्लोक कहता है कि
कि यदि भक्ति में आप आगे बढ़ना चाहते तो छह क्रियाओं को अपना लेना चाहिए। क्या क्या? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त्व कर्म प्रवर्तना, पूर्ववर्ती आचार्य के मार्ग को अनुसरण करना, संग त्याग, असत्य जो विपरीत वाले हैं, जो भौतिक वाले चिंतन वाले हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति में संगति नहीं करना। असत संग त्याग यही कृष्ण का आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त इनसे संग त्याग। स्वतंत्रते स्वतंत्रते करता जो सत्संग करने के लायक जो सत्संग नहीं है, जो सत्संग में साधु की संगति में बैठकर भक्ति की क्रियाओं को पालन करते हैं, श्रवण कीर्तन आदि में लगे हुए हैं, ऐसे भक्त की संगति में रहना। ये छह क्रिया कहेगी, ये आस्ते आस्ते हमको भक्ति में आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते फिर एक क्रिया को पालन करना, ये छह क्रियाओं को पालन करने से आसान से भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, कोई किसका प्रश्न है? प्रश्न पूछे आंसर। इनके लैब में आज क्लास शुरू है, तो क्वेश्चन आंसर का पर चर्चा की गौर हो सकता है। प्रश्न उत्तर अपने बोले कि जो भक्त है लंदन में जो भक्त थे मृत्यु के टाइम में और स्त्रियों का शरण किए तो उनको इस जन्म का याद तो कैसे उनका याद है पूर्व जन्म जो छोटा बच्चे थे वो तभी अपने पहले जन्म में जो घर में थे बताते हैं मेरा कोट उधर है छोटा बच्चे बताए मैं जाऊँगा उस घर में पकड़ के हाथ इनको कपड़े पकड़े खींच के खींचते थे चलो उधर बताते कि वहाँ हमारे साइड वहाँ को मेरा कोट रखा था इधर ये रखा था वो रखा था वो सब ला मेरे पासबुक मेरे पैसा उधर रहा है वहाँ से निकालो पैसा है और जो जहाँ बोलता था वहाँ खोलने से सब मिलता था वही चीज उस काम पर। इसके इसको लेकिन अभी बड़े होने पर भी वो भी उनको सब स्मरण है पूर्वजन्म का, वो भी बोलते हैं कि मैं कैसा हुआ उनके डेथ कैसा हुआ सब घटना वो बोलते हैं, क्या नाम था पूर्वजन्म का सब बोलते हैं। तो इसको इसकी एक ही केस नहीं है, आजकल के साइकोलॉजिस्टों के सही कितने हजारों केस हैं, सो कई पेपर में मैगजीन में सब निकलता है सब कहानी है। तो ये पूर्वजन्म शायद इसको विश्वास कर जो नहीं करते उनको प्रमाणित करें पूर्वजन्म होता है कुछ है कि शरीर ये डेथ के बाद सब कुछ नहीं खत्म हो जाता, बस जैसे चापा को निकाल के बस भी उतर दिया था देह से उतर पर कौन जानता क्या होगा होता है। जैसे शरीर क्या करोगे एक कर्म के आधार पर अगला शरीर मिलेगा। भगवान कहे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु जन्म लेने से शरीर स्वीकार करने से शरीर को त्यागना पड़ेगा, शरीर को त्यागने के बाद फिर दूसरे शरीर भी कर्म के आधार पर फिर मिलता है। भगवान ने क्लियर करते हैं कि भाई अंतकाल में जैसे जैसे चिंतन करके शरीर त्याग होंगे अगला शरीर ऐसा ही मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट समय है शरीर त्यागने के समय में आपके क्या चिंतन होता है उस समय में जो कृष्ण को स्मरण करेगा कृष्ण को पहुंच जाएगा बिल्कुल चल जाएगा। अच्छा उस समय यदि और कुछ चिंतन करता तो फिर उसी जैसे जैसे चिंतन करता था उसी के आधार पर उसको शरीर मिल जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस है लाइफ टाइम प्रिपेरेशन है भगवान के चिंतन करना श्रवण कीर्तन करने से जैसे हमको मंत्र समय में भगवान के स्मरण हो जाए। सभी अजामिल नहीं पढ़ सकते, अजामिल कुछ किया नहीं सभी प्रकार के दुष्कर्म किया लेकिन मंत्र समय में हमने बच्चे को पुकारा उसी माध्यम से कृष्ण का स्मरण हो गया। कृष्ण का तो स्मरण नहीं हुआ लेकिन भगवान के नाम लिया उसके लिए इसको रुक दिए सेकेंड चांस उसको तुरंत नहीं दिए लेकिन उसको चांस दिए जब उनसे छुड़ा दिए विष्णु फिर उसे छोड़ के चल गए छोड़ा दी बोला इसको टूट करना क्योंकि भगवान ने नाम लिया इसको चांस दिया गया सेकंड चांस तो फिर वो समझ गया विष्णु पुत्र जमदूत की बातचीत को श्रवण किया तो घर त्याग कर सीधे हरिद्वार चला गया हरिद्वार में जाकर फिर वो साधन किया सेंसेस पूरा प्यूरिफाई हो गए तो विष्णु फिर विष्णु पुत्र आके इसको लेके गए।
ये कहानी भागवत का। ठीक है, और कोई प्रश्न है? अदर क्वेश्चन? एग्जाम्पल आइंद्र प्रभु के साथ कुछ आइंद्र प्रभु हाँ कीर्तन करते हैं इंद्र प्रभु कीर्तन करते थे हाँ पंक्ति लगी मैं कीर्तन पार्टी में था करते इंद्र प्रभु कीर्तन किया करते हैं कीर्तन सीख रहा था उसे याद नहीं हमारे उसे जैसे सिखाते हैं हमें बोलते हैं इसको सीखने के लिए थोड़ा दिन कितने टाइम था हाँ अहिंद्र गोपी कोई बता था अहिंद्र गोपी की जय बहुत खुश हो जाते थे वो चाहते थे कि मैं भी एक गोपी बनूं भगवान की लला में एक जीवन का लक्ष्य जिसका जो लक्ष्य होता है फिर उससे उत्साह के साथ उसका प्रयास कर पड़ता है इसलिए उनका ड्रेस पहनना भी उसी ढंग की था जैसे धोती पहन ऐसे फिर लपटाते थे इधर लगी ऐसा करके ऐसे बांध ली तो जैसे जैसे जो चलते हैं चिंतन करता है उसके लिए प्रयास करता है आस्ते आस्ते उसी दिन में उसके मानसिक चिंतन है उसकी बॉडी भी फॉर्म उसी प्रकार हो जाता है अगला सदन के लिए आप जैसे खाओगे इसका चिंतन भी आपको उसी आधार पर हो जाएगा शरीर तो कर परमानेंट शरीर नहीं है आपके शरीर में लाभ अभी लेकिन इस शरीर में आप जैसे यदि मांसाहार करेगा कोई फिर इस शरीर का बदलता है कैसा शरीर मिलेगा उसको गीता में सब उदाहरण दी गई है जो ज्यादा कच्चे मांस खाने के आग्रही है तो उसको तो ठीक है उसके लिए बॉडी नहीं है उसके लिए क्या है टाइगर बनेगा टाइगर टाइगर का शरीर दिन भर कहीं भी खा मांस खा सकते कच्चा मांस खा सकते कुछ भी खा कुत्ता है गिद्ध है जिसम का बॉडी है उसका भी प्रस्तुत है ऐसा ही हमारे भागवत कहते हैं कि तरह चारों चारों आपने डार्विन तो कहा कि नहीं ऐसे क्रम विकास हो के मनुष्य को हमने क्या कैसे मनुष्य शरीर का किससे आता है बंदर बंदर से डेवलप बस उसे मनुष्य आस्ते आस्ते हो जाता है लेकिन भागवत चार एकदम दिया है चारों शरीर फिर आस्ते आस्ते मनुष्य शरीर में आया नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहते कि शुद्ध कुशल कहते जो सप्तगुणी होते गाय गाय से भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है गाय शरीर त्यागने के बाद अगला शरीर उसका मनुष्य का होता है लेकिन उसकी स्वभाव कैसे होता है गाय जैसे होता है शांत रहता है शांत शिष्ट संसार के कल्याण की चिंतन करता है सभी के उपकार करने की भावना रहता है तो उसको ब्राह्मण कहते हैं तो आस्ते आस्ते यदि कोई शेर से भी आता है बस सिंह से लायन से वो शरीर त्यागने मनुष्य शरीर उसको ऑटोमेटिकली मिलता है लेकिन उसका नेचर कैसे होता है सिंह जैसे वो क्षत्रिय है जंगल का राजा था पशु का राजा था और यहाँ आएगा तो मनुष्य शरीर में भी मनुष्य को साधन करना चाहिए वो राजा बनता क्षत्रिय बनता है सुनते मुस्लिम का टाइगर लायन ये जो शरीर त्यागते आगरा जन्म मनुष्य का इसके बाद कहते हाथी एक हाथी भी ये पांच पांचम स्कंद में चौदह अध्याय में उसको वर्णन है एक हाथी जब शरीर त्यागता है तो इसका शरीर भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है लेकिन इसकी स्वभाव ऐसा ही होता है हाथी के तब खाता है बड़ा पेट होता है बढ़िया था वैश्य है वैश्य मारवाड़ी बिजनेस करना ऐसे गड्ढा बहुत खाना है सब हाथी से भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और एक डायमंड का थ्योरी पूरा मैंने झूठ नहीं कहा भागवत इसलिए कहा कि बंदर से भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है ये कौन है शुद्ध है उसकी नेचर बंदर की तरह होता है बंदर कैसे होता है चौबीस करता दिन भर इधर शुद्ध की नेचर होता है इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये कहे कि चार प्रकार की जोड़ी है इसी प्रकार वर्णाश्रम भी आया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और बंदर से मनुष्य आते हैं जो बंदर से मनुष्य होता है शूद्र होता है और कलयुग में जितने भी लोग हैं वो सबको क्या कहा गया शूद्र है
तो इसलिए डार्विन कहा कि मनुष्य मान के बंदर से मनुष्य आया, इसमें पूरा झूठ प्रभुपाद ने कहा, पूरा झूठ झूठ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी की थ्योरी के साथ भागवत का थ्योरी के साथ तालिक करने से पूरा नहीं, लेकिन उसका लिमिट नॉलेज है, वो केवल केवल सूत्र कैसे आपने जानता है, लेकिन ऊंचे ऊंचे वर्ण कैसे आते हैं उसको पता नहीं, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कैसे आते हैं, हाथी हाथी से जो शूद्र बने वैसे आते हैं, और उससे क्या लायन से टाइगर से उससे मनुष्य बनते तो क्षत्रिय बनते हैं, गाय से मनुष्य, ये क्या कौन बनता है, गाय गाय से फिर ब्राह्मण बनता है, इस थ्योरी सारे बड़े जवाब में है। इसलिए जो हमारा इंडिया में साइंटिस्ट होते हैं, कोई नासा में है, पर जो अभी जो छोड़ रहा है कि चंद्रयान का सूर्य का जान पर वो सब पढ़ते हैं, इंडियन साइंटिस्ट ट्विटर इसको अपोज भी रिसर्च करते हैं, क्या वैदिक शास्त्र के ऊपर वैदिक वेदों के ऊपर भागवत के ऊपर डिटेल इसको पढ़ के भी वो देखते हैं, इनमें से भी कुछ भी क्या है। रावण पुष्पक पुष्पक विमान में बैठता था तो उस समय तक जब एरोप्लेन का डिस्कवर नहीं था, लोग बोलते थे इसमें मध्यलोजी है, लेकिन विमान एक दिन आविष्कार हो गया है, एरोप्लेन आ गया, लेकिन ये लोग वहां तक डेवलप नहीं किए टेक्नोलॉजी, पुष्पक विमान में जो टेक्नोलॉजी था क्या टेक्नोलॉजी था, जितने भी लोग आएंगे उसके अंदर सीट एक्सपांड कर रहे थे, करोड़ों लोग को इसका अंदर बैठ जाते थे, फिर भी एक सीट खाली रहता है। ये था विशेषता किसका, पुष्पक विमान। तो टेक्नोलॉजी को भी एक दिन साइंटिस्ट को फिर उस समय पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचेंगे तो फिर आएगा। तो साइंटिस्ट और वैदिक लिटरेचर में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये दोनों को उसमें भी ये सब टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट को रिसर्च कर रहे हैं, सारे साइंटिस्ट एथेंशनल थे, कुछ लोग उसमें भी अध्ययनवादी आध्यात्मवादी है, ईश्वर विश्वास रखते हैं। महाराज और जो कृष्ण बलराम टेम्पल में जो कबूतर है वो तो सुबह से शाम तक मंगल के भी ज्वाइन करते हैं, वो कौन भी सुनता है जो कबूतर दीजिए, तो उनका मनुष्य जन्म प्राप्त होगा कि श्री भगवत धाम प्राप्त हो सकता है, तो कबूतर किस लिए बनता है, व्यक्ति जिसके मन में एक्सट्रीम सेक्स डिजायर होता है, कबूतर हर दो मिनट में सर करते हैं, उसकी ब्लड उसका जिसको एक्सट्रीम सेक्स डिजायर होता है उसको पवाल को जोड़ में जाता है, चाहे भक्ति कर रहा है हरे कृष्ण जप रहा है भक्त सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत सेक्स डिजायर होने के कारण उसको इसी योनि में प्राप्त कर भगवान देते हैं, तो कबूतर योनि में तो उसको उसको पाप नहीं लगेगा ऐसे कर्म करने से, लेकिन मनुष्य यदि ऐसे करेगा उसको पाप लगेगा, तो कबूतर जो रहा लेकिन स्मरण जब तक भगवान को अंत समय में नहीं करेगा वो कैसे उन्नत होगा, जो अंत समय में भगवान को स्मरण करेगा फिर अन्य ज्वनि से भगवत धाम जाना आसान नहीं है, डेवलप करके फिर मनुष्य ज्वनि में आने से मनुष्य ये जंक्शन है यहीं से सब जगह जाता है, मनुष्य शरीर में से ही फिर भगवान के धाम जा सकता है, देवता भी बन सकता है, डेविगढ़ लोक में भी जा सकता है, पर निम्न कर्म कर भी निम्न ज्वनि में भी जा सकता है, एक कबूतर है ठीक है भजन कर रहा है लेकिन आस्ते आस्ते भजन तक नहीं कर रहा, वो अपने सेक्स के मंदिर के अंदर भी सेक्स करता है उसका, तो फिर उसके कैसे भगवान जाएंगे, लेकिन आस्ते आस्ते उसके उन्नत शरीर मिलते मिलते फिर वो उसकी कॉन्शियसनेस के डेवलप होगा तभी फिर गीत भी जाएगा भगवत धाम, लेकिन जटायु से बोलेगा तो जटायु गीत है, अभी रामचंद्र राम मंदिर में सुनी भी जा रहा था कि राम मंदिर क्या अपनी होने के पूरे सब गीत क्या छूट आ गए थे, तो गीत है ज्वनि में भी भगवान के राम गौरव जी इतनी भाग्यवान है जटाए लड़ाई किया किसके साथ, रावण के साथ, उसका पंख काट गया उसकी मूर्ति होने के, फिर रामचंद्र जी ने इसका अंतिम सत्कार किए, जिस गीत को देखने से कोई हेट कर भागाता है भगवान स्वयं उस गीत का अंतिम सत्कार किए, अपने पिता के समान सम्मान दिए इसको, किसको जटाए, उसके समान भाग्यवान कौन हो सकता, कुआ को ही चाहता है कोई कुआ देखने भागाता है चिल्लाता है
कोई गली की चीज भी खाता है, लेकिन राम के भक्त है काक भुसुंडी दिन रात क्या रटता है राम के नाम। तो ऐसे ही कबूतर यदि ऐसा ही रहकर भगवान के भजन करेगा अपना जो वृत्ति इसको त्यागेगा तो फिर वो जा सकता है, जब तक वो पूरी भगवान की सेवा नहीं किया है नाम नहीं किया तो कैसे उद्धार होगा। ठीक है महाराज, कभी तो सेवा करते हुए जो भक्ति में सेवा करते हुए जब असफल हो जाते किसी सेवा में, भक्ति में सेवा करके सेवा करते हुए कोई सेवा कर रहे हैं तो उसमें असफल हो जाते तो उसके बाद असफल भगवान कहते हैं कि तब जो असफल होता है सुचिनाम सेवकान के हैं जो गोवंश अभी जाए थे जो भक्ति करके सफल सफल नहीं हो रहा था बाकी रहा तो फिर सुचिनाम ब्राह्मण परिवार में किसी सीमता किसी वैष्णव भक्त परिवार में जन्म लेना उसे प्रभुपाद जी व्यक्ति कहा कि मेरा जन्म और मेरे गुरु महाराज जन्म आप लोग कैसे ही भाग्यवान थे कि हमारा जन्म कहाँ पर हुआ है भक्त के घर में हुआ है क्योंकि पिताजी भक्ति में ठाकुर थे भक्तिनाथ सुर ठाकुर के पिताजी जन्म से ही भक्ति करने का सुर मिला है। प्रभुपाद जी का पिताजी कौन थे जब बचपन से ही भक्ति करेगा पूर्व जन्म में जो हम सफलता हासिल नहीं कर पाते जितनी परसेंट करते हैं 90% सिद्धि करने वाले सफलता हो गया वो 10% के लिए रह गया तो फिर भी सही ऐसे अच्छे परिवार में वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है जहाँ छोड़ा वही से फिर स्टार्ट होता है इस जन्म जहाँ छोड़ा फिर आगे से भी माइनस नहीं होता कभी भक्ति का वही से फिर शुरू नहीं होता नहीं होता है। ठीक है जीवात्मा कहाँ से आया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ सुना कहीं है कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन है लोग कई प्रकार के समझ जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे आया ध्यान पूछते हैं कि भगवान का अंश है और कहते वैकुंठ जगत से कोई पतित नहीं हो सकता है अपनी इच्छा से कोई पतित नहीं होगा लेकिन जो भगवान चाहते हैं भगवान कैसे आते हैं भगवान आते हैं कब आते हैं वर्णति में आता हूँ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे पतित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय जो भगवान आते हैं भगवान अकेले नहीं आते हैं कुछ लोगों को भी भेजते हैं इधर तो भगवान किसको भेजते हुआ आता है वैकुंठ से कोई नहीं आता है ये हिरण्यकशिपु कैसे आ गया कौन था वैकुंठ के जय विजय थे व्यापार थे तो उन्हें घर आए ना इधर अपनी इच्छा से नहीं आ सकता लेकिन भगवान को भी चाहते तो आ सकता है भगवान चाहते थे डेस्टिनी हमारे पास में जो इच्छा है सारे इच्छा कहाँ से आते ओरिजिनल सोर्स कहाँ है भगवान कहते कि नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनाम जो विदे काम हम उनके चेतन का तो हम उनके अंश है हमारे पास में कुश्ती का स्वर्ग करने का जो इच्छा होता है कहाँ से आया है भगवान के पास है भगवान का भी हो लेकिन भगवान किसके साथ कुश्ती करें गौरांग संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने जो गौरांग महाप्रभु के संगीत में लाभ से भाग लेकर उनके साथ में सहयोगी बने ये सब नित्य सिद्ध है कहाँ से आए वहीं से हरिनाम संकीर्तन गुरु के प्रेमोदन हरिनाम संकीर्तन भी ये भौतिक जगत का संगति नहीं है ये आध्यात्मिक जगत से आया चैतन्य महाप्रभु ने किया है और हरिनाम संकीर्तन को सिखाने के लिए भी सब उनके साथ और कुछ लोग भी आए हैं जो उनके पार्षद बन के आए सब गौरांग संगीत ये भी सब नित्य धाम से ही आए इसलिए कोई जनरल स्टेटमेंट को हम हमेशा सिद्ध नहीं कर सकते ये भी स्टेटमेंट कहा गया है कि कोई वैकुंठ से किसका पतन हो नहीं हो सकता है वैकुंठ में सही है पतन नहीं होगा लेकिन वो आ सकता है और फिर यहीं से फिर जा भी सकता उसको कर्मबंधन नहीं बनता है वैकुंठ से आता तो भगवत इच्छा से आता कुछ ड्रामा पार्टी से एक्टिंग करने के लिए आता है तो फिर कोई भी कोई ड्रामा में जैसे कोई एक्शन करता कोई रोल करता है
प्रभु जो व्यक्ति वही वो नहीं होता है, वो तो बोलिंग करके और गौर करता है, ड्रामा खत्म हो जाएगा, अपना अपना ड्रेस उतार दे, पेंटिंग उतार दे, जो व्यक्ति आ गया अपना स्थिति में। और कोई प्रश्न है किसकी? एक ही आदमी सब समझे, दूसरे दूसरे को कुछ समझे हैं, सब पहचान समझे। हाँ महाराज जी, वंदन और कीर्तन में क्या अंतर है? वंदन और कीर्तन में क्या अंतर है? वंदन और कीर्तन, वंदन में कीर्तन में क्या अंतर है? कीर्तन भगवान के नाम संकीर्तन से भगवान के नाम कीर्तन करते हैं। वंदन का, वंदन का अर्थ है भगवान की लीला को स्मरण करना, लेकिन ये स्वतः स्वतः भगवान के कार्यक्रम को कविता के रूप में गाना, वो गाया जा रहा है, लेकिन उसको ये तो कुछ पार्टिकुलर मंत्र का हम कीर्तन करने का कुछ कीर्तन किए, लेकिन वो गाना गाया जा रहा है उसको स्वतः होता है, वो अपने आप इसका फीलिंग है। कीर्तन अगर अपने अपने ही आपको नहीं आना पड़े, हमें किसी एक लाइन लेकर उसको गा सकते ना सकते, इसको बार बार दोहरा सकते, बस हमारे कृष्ण मंत्र को बार बार दोहराते नाचते गाते हैं, कीर्तन है। लेकिन जो बंधन है और थोड़ा मुझे अक्रूर है वंदना में, तो देखा तो भगवान के चरण चिन्ह को, फिर वो ऑटोमेटिकली उसकी गा मैंने उसको स्मरण किया, उसको वो लीला को गाने लगा, भगवान की महिमा को गाने लगा, थोड़ा सा मन जाता है वंदना में, भगवान वंदन करने लगा, थोड़ा टिक थोड़ा वो अनुभव से स्वतः भगवान के गुणगान जो करते हैं। कीर्तन प्रारंभ से किसको नहीं होने पर भी दूसरों को देखकर भी प्रारंभ कर सकता है, लेकिन वो स्वतः अपने जो प्रेम की भावना को व्यक्त करता है व्यक्ति, फिर उस वंदना के रूप में उसके मुख से उच्चारित हो जाता है। जैसे कोई राइटर तो बहुत होते हैं, लेकिन कवि होना कोई दूसरे होता है, कवि सब लोग नहीं हो पाते हैं। पोएट जो होता है स्वतः है, उसके कला है, वो अपने आप उसके कोई बात सेम बात को हम बोलेंगे पुरुष के रूप में आएगा ऐसे रखेंगे, लेकिन वो अपने आप कविता लिख देगा फटाफट। कोई प्रश्न आ रहे हैं महाराज? जीवात्मा को मतलब उसका जो शरीर है, जीवात्मा का उसका कुछ दिन बाद शरीर चला जाएगा, तो उसका भय होता है मेरा शरीर चला जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा मैं शरीर हूँ, जीवात्मा शरीर नहीं है, तो यही तो अज्ञानता के कारण भय आता है। भय किस लिए आता है? मैं अज्ञान है, हम सोचते कि मैं शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी। आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सेंटेंस है यू आर नॉट दिस, नॉट दिस बॉडी, यू आर आत्मा। शरीर का अंतर को समझना यही से आध्यात्मिक विद्या का प्रारंभ होता है, साइंस स्पिरिचुअल साइंस यही से शुरुआत होती है। आई एम मैं ब्रह्मन वहां ब्रह्मस्मि है, वैदिक स्टेटमेंट, वहां ब्रह्मस्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए शरीर आध्यात्मिक जगत का नहीं है, इसलिए ऐसी जगत पहला जाता है, ये शरीर लेके हम नहीं जा सकते आध्यात्मिक जगत में है, शरीर नहीं रहेगा, ये पांच भूत से बना हुआ है, किसमें भूमि अनल भूमि रपो अनल वायु खगमन बुद्धि रे ऊर्जा, भगवान कहे कितना बस अंतर जो कहते पांच पांच तत्वों से बना हुआ है, तो पांच तत्वों से जो बना हुआ शरीर ये पांच तत्वों में ही पृथ्वी में ही मिल जाता है। आत्मा इसके परे है, आत्मा चेतन वस्तु है, और शरीर चेतन वस्तु नहीं है, आत्मा जो शरीर छोड़ देता यहीं पर पड़ा रहता है, आत्मा और शरीर में अंतर है, जिसको जो नॉलेज नहीं है वही भयभीत रहता है शरीर में। तो शरीर अज्ञानता कारण, इसीलिए गीता पढ़ना, नॉलेज उससे मिलेगा, गीता पढ़ोगे तो समझोगे, इसलिए आपको विश्वास होना चाहिए, किसमें श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, भक्ति कौन कर सकता है जिसको श्रद्धा अर्थात विश्वास है, किसमें विश्वास है शास्त्र में कृष्ण में, जिसको वैदिक ग्रंथों में
भगवत गीता में भागवत में विश्वास है, स्टेटमेंट अपूर्व है, युक्ति के बाहर है। वेद में कहा गया गोबर पवित्र है, गोमूत्र पवित्र है, इसको आर्गुमेंट के साथ नहीं समझ पाओगे। परीक्षा करो, साइंटिफिक टेस्ट करके देखते, किसी भी गोमूत्र कहा गया गोबर में कितनी एंटीसेप्टिक, कितने सारे गुण है गोमूत्र में। आप बोल रहे मनुष्य हूँ, मेरा मेरा पेशाब क्यों पवित्र नहीं होगा, गाय का पेशाब क्यों पवित्र होगा? नहीं, इसमें कहते हैं अपूर्व से, जिसके चुनकी तर्क में नहीं समझा जा सकता, ये आर्गुमेंट की पड़े हैं। इसको कहते हैं अपूर्व से, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, आध्यात्मिक ज्ञान है डिडक्टिव लॉजिक। मैन आर ऑल मैन आर मोटर, इसके बाद उसको स्वीकार करो स्टेटमेंट, बोले नहीं मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं परीक्षा करके हूँ, कितने परीक्षा करते कर। इसलिए आध्यात्मिक लड़ाई कुछ होता है जो शास्त्र में वचन दी गई है, इसको बिना युक्ति तर्क से स्वीकार किया जाता है। जो गीता में बताया गया, वैदिक ग्रंथ में बताया गया स्टेटमेंट, ये अपूर्व से है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। कितनी हजार साल बीत जाने पर भी वही गीता चलते रहेगा, लेकिन साइंटिस्ट कितना थोड़ी थ्योरी बनाने पर भी फिर आस्ते आस्ते लोग यही दूसरे साइंटिस्ट है क्या चेंज हो जाएगी थ्योरी। डार्विन का थ्योरी पहले चलता था स्कूल रूम में, अभी उसको भी दूसरा साइंटिस्ट आ गए हटा दिए, बोले नहीं ये थ्योरी में बहुत मिस्टेक है, ये करेक्ट नहीं है। डार्विन गया भाई जिराफ कैसे आ गया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जंगल जंगल में जिराफ कैसे, जिराफ कैसे आया इतना बड़ा लंबा गर्दन कैसे आ गया? वो बोला कि साउथ अफ्रीका के बंगल में जो अफ्रीका के जंगल में हजारों साल तक बारिश नहीं हुआ, सब का घास फास सूख गया, पत्ता खाने के लिए से हिरण जो है कुछ खाने के लिए ऐसे गर्दन को बढ़ाते बढ़ाते पेड़ ऊपर से आस्ते आस्ते तो गर्दन उसका लंबा होते गया। लेकिन ये अफ्रीका में अभी भी जब जिराफ भी है हिरण भी है। साइंटिस्ट का दूसरा साइंटिस्ट आ गए जो रिजेक्ट की थ्योरी है, थ्योरी ठीक नहीं है। जैसे कोई आपने बच्चों का एक कहानी में पढ़ा, बच्चों का किताब का स्टोरी किताब, बोला शुरू से हाथी का सूंड नहीं था, हाथी के खाली मुंह से था, लेकिन हाथी एक बार पानी पीने गया जब अपने नदी किनारे, और पानी पीता तो उसे मगर था, पानी पीता उसके नाक को पकड़ लिया, मगर खींचा हाथी खींचा तो उसका सूंड निकला है। साइंटिस्ट थ्योरी पे स्पेकुलेशन का सही थ्योरी पता है, कोई भी कुछ स्पेकुलेशन करके लगेगा कौन इसलिए। लेकिन हमारे वैदिक ज्ञान जो दिया गया है उसका कितने एक्सपेरिमेंट करते रहो उसमें मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे, जो स्टेटमेंट दी गई है इसको इसके अपूर्व से कहते हैं। मैं नाम मोटा जात से ही ध्रुव मृत्यु भगवान कहे, इसको परीक्षा करते रहो, देखो कहीं गलती नहीं निकलेगी आपस में। लास्ट क्वेश्चन, ये अविद्या का सोर्स कहाँ से आ रहा है? हाँ? ये अविद्या कहाँ से, ये क्या कृष्ण से आ रहा है? क्या ये जो अविद्या है, अविद्या का सोर्स है, अविद्या का अपूर्व से, अविद्या नहीं अपूर्व से, अपूर्व से का सोर्स पुरुष से ही आया, आदि पुरुष हम भगवान से ही आया, सभी कारण कारण है। इस अविद्या बोला क्या अविद्या, अविद्या कहाँ से आया? तो अभी सब कुछ आया भगवान से, विद्या भी आया अविद्या भी आया। भगवान के सोता बांधे की नहीं करते, तुम अभी तुम विद्या है स्वीकार करो, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ लोग विद्या को प्रसन्न करते हैं, जो विद्या को प्रसन्न करते हैं, लेकिन सभी का सस्ता एक ही व्यक्ति है। भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभावम अतः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सभी के कारण के कारण हूँ और मेरे से ही सब कुछ आया, और ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या सब आया किससे? कृष्ण से ही आया सब, कोई दूसरा सोर्स नहीं है, भगवान एक ही है और भगवान का पास सब कुछ है। हाँ, और कोई प्रश्न किसकी है? जल्दी जल्दी बिल्कुल। वेद कैसे प्राप्त हो, ईश्वर ने किया ऋषि मनुष्य ने? वेद क्या वेद का असली वेद शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द है वेद, वेद शब्द का ऋषि ने इसका मीनिंग देखो,
वेद शब्द का अर्थ है नॉलेज, वेद शब्द का अर्थ है नॉलेज, ये भगवान से ही आया। वेद भी कहां से आता है? भगवान से, सभी के कारण से। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण भगवान का ही जो विश्वास विश्वास जो प्रश्वास वायु से ही उसी से ही वेद का प्रारंभ से वेद लिखित भाव से नहीं था है केवल श्रुति श्रुति में, लेकिन इसको कलयुग के प्रारंभ से इसको वेद व्यास ने कंपाइल किया, इसको माने एक दिन को व्यास शब्द का मतलब कंपाइलर वो केवल सब पहले से इसको था तो श्रुति में इधर उधर सब जगह था उसको कंपाइल करके ग्रंथ के रूप में रखे, लेकिन ओरिजिनल वेद का भी श्रोत ही भगवान है। वेद इस सर्व अमर वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव अहम भगवान है। गीता पढ़ोगे तो 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक में भगवान है, वेद का रचयिता मैं हूँ भगवान कहते हैं, वेद का रचयिता मैं हूँ, वेद में जो जानने योग्य वस्तु वेद को पढ़ के भी मुझे ही समझने के लिए ही लोग वेद पढ़ते हैं। वेद से सर्व ही हमें भी सारे वेदों में यही ही ज्ञान देता है। महात्मा ज्योतिराव फुले उनका एक बुक है, गुलाम है, वेद के बारे में उन्होंने बताया कि वेद भगवान से नहीं आए बल्कि पहले श्रेष्ठ जो आर्य अलग अलग बात चिंतन है तो कहते हैं वेद था पहले वेद से भगवान से पूछा है, लेकिन वेद का स्रोत भगवान हमें जो हमारे सनातन धर्म के लिए जिसको सभी ब्रांच के लोग स्वीकार करते हैं किताब, वो किताब है श्रीमद् भगवद् गीता, इसमें किसी की मतलब दो मत नहीं है। जैसे क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारा अंतिम जो ग्रंथ है वो है बाइबल, कोई मुस्लिम है तो कहेगा कुरान, कोई सनातन धर्मावलंबी है तो एक ग्रंथ भी राम आज भी कोर्ट में जिस ग्रंथ का अपन जज करते ठाकुर की वो है भगवद् गीता, तो उसका जो सेगमेंट है इसका ये सुप्रीम है, अलग सेगमेंट उनसे नीचे है। तो भगवान जब कहे कि वेद सर्व से चाहू मृति सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेद सर्व अमर वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, भगवान का स्टेटमेंट है। कोई कुछ स्टेटमेंट करके दूसरा लगेगा तो जिसके जो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन है गीता के स्टेटमेंट से उसको नहीं स्वीकार किया जाता है, ठीक है। हरे जो बोला जाता है तो अगर कोई निताई और बलराम का सेवा कर रहे हैं तो उनका चिंतन कर रहे हैं तो भगवत धाम कृष्ण के पास जा सकते हैं, भगवत धाम वो जा सकता है वो जो जो बलराम निताई और बलराम के भक्त है कुछ लोग बलराम के पास जाना चाहते बलराम के पास, बलराम के भक्त भी कुछ होते हैं शंकर से वो भी आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो भी बिल्कुल देखिए बलराम के साथ रहेंगे उनके एसोसिएट बन के, लेकिन कभी बलराम को आश्रय करके राधा कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है वो गुरु है आप उस वक्त सिखाते हैं, लेकिन ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे फिर पूरा फूल अटैचमेंट कृष्ण पूरा छोड़ के केवल बलराम के चरण पकड़ रहे हैं तो बलराम के पास में जो होता है आप किसी भी बलराम की भक्ति कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है उसी के ऊपर निर्भर करता है, कोई बलराम की भक्ति करके बलराम के साथ भी रह सकता है, बलराम की भक्ति करके भगवान उनकी कृपा से फिर कृष्ण भक्ति भी प्राप्त कर सकता है, ठीक। तो महाराज बलराम के माध्यम से कैसे कृष्ण के पास जाए अगर बलराम को अच्छा वो अच्छा लगता है, वो गुरु है आध्यात्मिक गुरु का गुरु तत्व में टॉप में है, बस गुरु क्या सिखाता है भगवान भक्ति करना सिखाता है तो बलराम सिखाते हैं हमारे किड़िया लो हमारे किड़िया लो भजन गौरहरी, नीता नहीं कहते मेरी भक्ति करो नहीं वो कहते गौरहरी का भजन यदि करोगे मैं बस प्रसन्न रहूंगा, तो इसलिए
नित्यानंद के चरणों का आश्रय करके रघुनाथ दास गोस्वामी गौरांगी प्राप्त किए। किस प्रकार वही होते हैं तो नहीं मतलब गौरांगी के साथ रहना, नहीं किसका पिता के साथ रहना, बस कॉन्ट्राडिक्शन क्या है ठीक है। ओके स्टॉप। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ऑल ब्रिटिश डिवोटीज महाराज के पद्मों से बहुत सुंदर कथा सुने और इसलिए हम महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते कि वृंदावन से इतना कष्ट लेके यहीं पे आए और हम लोग को संग देने के लिए। तो कल एक दिन लास्ट दिन भगवान की संग मिलते महाराज रहेंगे इधर और कल एक एनुअल पिकनिक है वो जो शिव मंदिर के पास। महाराज का फिर क्लास होगा 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है 11 to 12 o'clock कल, और वहीं पे ही फीस्ट होगा और फीस्ट में भी जो रजिस्टर किए हैं और जो नहीं किए हैं आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं करके कल 8:30 पे वहीं पे शुरू हो जाएगा 9 o'clock से प्रोग्राम। तो 11 से 12 महाराज का फिर क्लास रहेगा और उसके बाद महाराज का फ्लाइट शाम 4-5 बजे महाराज चलेंगे। मैं कितने बजे निकलूँगा? एक बजे का इसके सब हो जाएगा फिक्स खत्म कर देंगे। तो 4 बजे हाँ तो 4 बजे महाराज। तो अभी लास्ट टू लास्ट वीक में भी हम लोग ये किए थे कि 8:30 तक जो लोग आते हैं दैट इज स्पेशल स्टूडेंट्स 8:30 तक यहीं पे आने के लिए बोले थे। दो बार हो गया कि 8:30 के बाद जो आते हैं बिकॉज उसके बाद बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कि इसलिए 8:30 के बाद जो आते हैं उनको कूपन नहीं मिलता है। और उसके बाद जो सब लोग 8:30 से पहले जितने आते हैं पहले वो लोग प्रसाद लेते हैं उसके बाद सब।